हवा की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती हुई, शीत लहर के रूप में बदलती हुई। इस समय मेरठ में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता हुआ, हवा में ठंड की तासीर भी तेज होती हुई। आसमान इस समय बिल्कुल साफ, बारिश की जो संभावना व्यक्त की जा रही थी अब वो करीब करीब खत्म सी हो चुकी है। हवा की रफ्तार तेज होने के कारण इस समय वायु गुणवत्ता भी काफ़ी सुधरी हुई। मेरठ की समय वायु सूचकांक 200 अंक से नीचे आ चुका है। मेरठ का वायु सूचकांक इस समय 150। जी हाँ, दीपावली के बाद जो वायु सूचकांक 400 तक पहुंच चुका था अब वो धीरे धीरे कम होता हुआ आज इस समय मेरठ का वायु सूचकांक 150 पर, जो कि बहुत अच्छा नहीं तो कम से कम ठीक ठाक कहा जाने वाला माना जाता है। तापमान में भी गिरावट, न्यूनतम तापमान में हालांकि कल की अपेक्षा आज कोई खास अंतर नहीं, लेकिन अधिकतम तापमान इस समय धीरे धीरे कम होता हुआ। मेरठ का अधिकतम तापमान इस समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, कल की अपेक्षा आज 1 डिग्री कम अधिकतम तापमान। कल मेरठ का अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री के बीच था, लेकिन आज ये तापमान कम हुआ। हवा की रफ्तार के चलते ठंड में इजाफा, हालांकि देखिए धूप काफ़ी तेज निकली हुई है, लेकिन इस धूप का कोई असर ठंड पर नहीं पड़ रहा। मैं राजस्थान पत्रिका के लिए मेरठ से KP त्रिपाठी।